फ्रेंड्स अभी हम लोग हिस्ट्री टेकिंग में जॉइंडिस देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में अभी जॉइंडिस देख लेते हैं फ्रेंड्स। जॉइंडिस मतलब क्या होता है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन मतलब पेशेंट के क्या होता है फ्रेंड्स, बॉडी पीली दिखने लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट की बॉडी पीली दिखने लगती है, जैसे कि स्क्लेरा हो गया, हमारे नेल वगैरह ऐसे पीले दिखने लगते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसको हम लोग जॉइंडिस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स अभी हम लोग जॉइंडिस में क्या देखना रहता है ये देखेंगे फ्रेंड्स। जॉइंडिस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। सिंस ड्यूरेशन जॉइंडिस कितने दिनों से है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को जॉइंडिस समझो दो दिन से जॉइंडिस है, तीन दिन से जॉइंडिस वगैरह है, ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करना फ्रेंड्स, ठीक है। ये ड्यूरेशन हो गया। बाद में फ्रेंड्स क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम। हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अर्ली सिम्टम्स, ठीक है। अर्ली वार्निंग जो सिम्टम रहते हैं उसको प्रोड्रोम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम एसोसिएट प्रोसीड विद एनोरेक्सिया नौसिया वोमिटिंग। फॉर एग्जाम्पल समझो जॉइंडिस के पहले पेशेंट को कैसा है, एनर्जिया दिखाई देने लगता है, नौसिया देने दिखाई देने लगता है, या फिर वोमिटिंग वगैरह क्या, ये सब चीज़ें हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जॉइंडिस दिखते हैं तो पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम में क्या मतलब, प्रोड्रोम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अर्ली सिम्टम्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम्स मीन्स अर्ली सिम्टम्स, ठीक है। और एक प्रोसेस हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम मतलब जॉइंडिस के प्रोड्रोम सिम्टम्स क्या रहते फ्रेंड्स, एनर्जिया है, नौसिया है, वोमिटिंग है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। बाद में देखते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ प्रोराइटिस। प्रोराइटिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट को सीवियर इचिंग होती है, ठीक है। पेशेंट को सीवियर इचिंग होती है फ्रेंड्स। जॉइंडिस में प्रोराइटिस क्यों दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स, जो बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट्स वगैरह है ना, बाइल पिगमेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स, बाइल पिगमेंट्स सम पार्ट ऑफ बाइल जो है, सम पार्ट ऑफ बाइल पिगमेंट्स वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, सम पार्ट ऑफ बाइल पिगमेंट्स ये हमारे स्किन थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, इसलिए जो स्किन में डिपॉजिट हो जाता है ना बाइल बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट्स वगैरह, बाइल पिगमेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे स्किन में डिपॉजिट होने लगता है, इसलिए पेशेंट को फ्रेंड्स सीवियर इचिंग होती है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स प्रोराइटिस। इसलिए पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ प्रोराइटिस वगैरह है क्या, ये भी देखना रहता है फ्रेंड्स जॉइंडिस में, ठीक है। बाद में हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन टू द जॉइंडिस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट होम्योपैथी की औषधि, होम्योपैथी की दवाइयाँ, कोरियोथेरेपी की दवाई, एक्यूपंक्चर, ये सब चीज़ें बहुत सारे मतलब पैथी जो है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कई बार ऐसे ड्रग्स क्या होता है, कई बार हेपेटोटॉक्सिसिटी की हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि कुछ मेटल ड्रग्स वगैरह है, ठीक है, जिसमें हम लोगों के ड्रग में कुछ मेटल वगैरह इस्तेमाल किया है, उस ड्रग से कई बार कैसा होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी वगैरह हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे मैक्सिमम ड्रग में नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ ड्रग्स वगैरह रहते हैं कि उनका फॉर्मुलेशन वगैरह अच्छी तरह से नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स कई बार ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी में भी ऐसे कुछ मेडिसिन है फ्रेंड्स जो कि हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं वो, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गया, जैसे कि हम लोगों ने स्टैटिन्स वगैरह देते हैं, तो स्टैटिन्स जो है हमारे एट्रोस्टैटिन्स वगैरह जो स्टैटिन वगैरह कई पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कोलेस्टेटिक जॉइंडिस को डेवलप करता है वो, ठीक है। ऐसे कुछ मेडिसिन वगैरह है, इसलिए हमें वो भी हिस्ट्री नोट डाउन करने रहते हैं जॉइंडिस में, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन फॉर जॉइंडिस वगैरह, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स क्या देखना होता है, एसोसिएटेड विद पेन वगैरह है क्या, ठीक है। एसोसिएटेड पेन मतलब पेशेंट के नाइन रीजन ऑफ अपडोमेन में कहाँ पे पेन वगैरह है क्या, ये भी देखना रहता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक में पेन है एंड एसोसिएटेड विद जॉइंडिस वगैरह, मतलब जॉइंडिस के साथ साथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक पेन वगैरह है, तो पेशेंट फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल उसको डायग्नोसिस हम लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस या फिर गॉल ब्लैडर कोलेस्टेटिस वगैरह, ये सब हम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए जॉइंडिस में ये सब चीज़ें हमें अच्छी तरह से देखने रहते फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले ड्यूरेशन देखना है, बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम वगैरह देखना है, बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रोराइटिस, बाद में हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह कुछ है क्या, बाद में एसोसिएटेड कुछ सिम्टम्स वगैरह है क्या, पेन वगैरह, ये सब चीज़ें हमें जॉइंडिस में नोट डाउन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया जॉइंडिस। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में स्टेटिक में बाद में आता है फीवर, ठीक है। पेशेंट में फीवर वगैरह है क्या, ये इसलिए नोट डाउन करने रहते फ्रेंड्स, ठीक है। फीवर में क्या रहता है फ्रेंड्स, फीवर में सबसे इंपॉर्टेंस रहता है कि उसका ड्यूरेशन नोट डाउन करना रहता है, ठीक है। पेशेंट को फीवर फॉर एग्जाम्पल दो दिनों से है, एक दिनों से है वगैरह, ये सब चीज़ें हमें मैंशन करने रहते फ्रेंड्स, ठीक है। ड्यूरेशन के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, पेशेंट का फीवर का नेचर देखना है। फीवर का नेचर मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, पेशेंट को फीवर कंटिन्यूस टाइप में है या इंटरमीडियट है, कई बार आ रहा है फीवर बाद में थोड़ा देर के लिए जा रहा है, या कंटिन्यूस ब्लैडर टाइप में है या कंटिन्यूस फीवर वगैरह, ये सब चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है, ठीक है। नेचर मतलब इंटरमीडियट वगैरह है क्या, ठीक है। पेशेंट का कई बार क्या होता है फीवर एक दिन में दो बार आता है या दो दिन में एक बार आता है, इसलिए सब चीज़ें मेंशन करना है। इंटरमीडियट है या रेमिटेंट है, रेमिटेंट मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, पेशेंट का फीवर रहता है ना कंटिन्यूसली 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये नॉर्मल रेंज में कभी भी नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है। समझिए नॉर्मल रेंज है फीवर की, समझो फीवर पेशेंट को स्टार्ट हो गया, पेशेंट का फीवर ऐसे सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कभी लेकिन कभी भी ये नॉर्मल रेंज में नहीं आता फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट को इसलिए कंटिन्यूस फीवर रहता है, लेकिन जो है नॉर्मल रेंज से ये थोड़ा सा फीवर पेशेंट को कंटिन्यूसली ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसमें सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का ये फर्क रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए इसको रेमिटेंट फीवर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
प्रिवेंटिव फीवर मतलब क्या होता है, और एक बार देख लेते हैं कि ये पेशेंट का जो फीवर रहता है ना, फीवर कभी भी बेस लाइन को आता नहीं रहता है, ठीक है। पेशेंट को कंटिन्यूअस फीवर भी नहीं रहता, और पेशेंट का सिर्फ फीवर वगैरह रहता है तो समझो पेशेंट को 102 फीवर है, ठीक है। पेशेंट को 102 फीवर है तो पेशेंट को फीवर कैसा फ्रेंड्स 100 डिग्री तक आता है, ठीक है। पेशेंट का फीवर 100 डिग्री तक आता है, लेकिन पेशेंट का फीवर जो फ्रेंड्स एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब 98.7 डिग्री पे नहीं आता फ्रेंड्स कभी भी, वो कंटिन्यूअस फीवर समझो 99-100 और इसी रेंज में रहता है, ठीक है। इसे वो बोलते हैं फ्रेंड्स रेमिटेंट फीवर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेमिटेंट फीवर। बाद में फ्रेंड्स फीवर का जो टाइम देखना है, समझो पेशेंट को फीवर कौन से टाइम में आ रहा है, समझो पर्टिकुलर इवनिंग टाइम में ही टेम्परेचर आ रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर वगैरह है, तो हम लोग उसको जरा सा प्रोविजनल डायग्नोसिस हमारा बन जाते हैं कि कुछ ट्यूबर प्रोसेस तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में आते हैं, ठीक है। इसलिए पेशेंट का टाइम भी नोट डाउन करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर वगैरह है, ये सब चीज़ें नोट डाउन करना रहता है, ठीक है। बाद में देखते हैं फ्रेंड्स अभी कॉन्स्टिपेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है, पेशेंट को अच्छी तरह से स्टूल पास नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट को स्टूल का फ्रेंड्स स्टूल कब पास होती है, समझो अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठने के बाद पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को स्टूल पास होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग को स्टूल पास नहीं होता, या फिर थोड़ा सा स्टूल पास होता है, या फिर दोपहर का होता है, कई बार पेशेंट को 2-3 बार पेशेंट को जाना पड़ता है, ठीक है। फिर भी पेशेंट को एकदम अच्छे तरह से स्टूल पास नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट को फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट कह सकते हैं, ठीक है। कई बार कॉन्स्टिपेशन में जैसे हार्ड स्टूल भी बन जाता है, नहीं तो पेशेंट का कई बार बल्क जो स्टूल का होना चाहिए बल्क भी पेशेंट का अच्छे तरह से बल्क नहीं बन पाता, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में देखना क्या रहता है फ्रेंड्स, पेशेंट का सबसे पहले ड्यूरेशन देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन का ड्यूरेशन देखना है, ठीक है। बाद में पेशेंट को फ्रेंड्स ब्रिस्टल टाइप देखना है। ब्रिस्टल टाइप मतलब फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिपेशन को मैंने ब्रिस्टल टाइप चार्ट दिया है ना फ्रेंड्स, स्टूल पास होने के बाद जो ब्रिस्टल टाइप चार्ट है जितने की 7 टाइप्स है ब्रिस्टल के, ठीक है। पेशेंट को स्टूल जो इसके ग्रेडिंग दिए रहते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 वगैरह टाइप दिए उसमें, टाइप 7 वगैरह उसमें। इसलिए कई बार पेशेंट को सबसे पहले मैं जैसे पेशेंट को थोड़ा थोड़ा मतलब हार्ड हार्ड स्टूल जैसे गोले जैसे राउंड राउंड ऐसे ऐसे ये आते हैं फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा थोड़ा पहले लेकिन हार्ड हार्ड स्टूल होता है फ्रेंड्स, जैसे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 वैसे उसके हिसाब से हमने डिफ्रेंशिएट किया फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ब्रिस्टल टाइप चार्ट दिया है आपको, ब्रिस्टल टाइप चार्ट देख लेना फ्रेंड्स स्कूल के लिए, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स पेशेंट को समझो हार्ड स्टूल है सेमी सॉलिड स्टूल है ये भी देखना है, ठीक है। कई बार पेशेंट को कैसे एकदम हार्ड स्टूल होती है, हार्ड इतना स्टूल होती है पेशेंट का कई बार मोशन होती भी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। उसको कैसे मैनुअली निकालना पड़ता है, ठीक है। मैनुअली पेशेंट को जो हार्ड स्टूल है ना पेशेंट का आईएनएस में से हमें अच्छे जैसे मैनुअली निकालना भी पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ड स्टूल फ्रेंड्स। बाद में पेशेंट का समझो सेमी सॉलिड स्टूल वगैरह क्या, कई बार डायरिया में वगैरह पेशेंट का कैसे अच्छे जैसे बल्क में फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसमें सेमी सॉलिड भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वो फॉर्मेशन है ये सब चीज़ें देखना है। बाद में पेशेंट का स्ट्रेनिंग वगैरह देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट को मोशन पास करने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। पेशेंट को कितना ज़्यादा स्ट्रेन करता है ये भी देखना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करता है, ठीक है। पेशेंट कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करता है तो फ्रेंड्स उसके एनल में प्रेशर गिरता है, ठीक है। एनल में प्रेशर क्रिएट करके वही बार कई बार एनालिसिस वगैरह होते हैं फ्रेंड्स स्ट्रेनिंग के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिमोरॉइड्स हो गया, फिशर वगैरह हो गया, हार्ड स्टूल है और हम लोगों ने स्ट्रेनिंग करके एकदम मोशन पास की तो पेशेंट को फिशर वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस हिमोरॉइड्स के फिशर के और या फिर स्ट्रेनिंग के हिसाब से फिर पेशेंट को कई बार अच्छे से ज़्यादा स्ट्रेन किया तो कई बार पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी बढ़ने के बाद पेशेंट को कई बार स्ट्रेन पेशेंट को मोशन स्ट्रेन करते हुए कि हमारे बैग वगैरह बैठ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए स्ट्रेन करना होगा पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए ये चीज़ें भी हमें नोट डाउन करने रहते फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पेशेंट सबसे पेशेंट मोशन पास करने के लिए स्ट्रेन वगैरह करता है तो उसके एनरेक्टल डिसीजेस के साथ साथ उसके कुछ कार्डियक डिसीजेस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें भी ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। बाद में पेशेंट का टेक्स टाइम्स मतलब पेशेंट मोशन पास करने के लिए कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट जैसे मोशन का कई पेशेंट को 5 मिनट में भी मोशन पूरा ऐसे जैसे हो जाते हैं बॉडी में, और कई पेशेंट ऐसे जैसे 10-10 मिनट 15-15 मिनट तक ऐसे बाथरूम में बैठते रहते हैं लेकिन उसको मोशन पास नहीं होते फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो स्टूल का जो बल्क फॉर्मेशन होता है स्टूल का अच्छे से बल्क फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमें नोट डाउन कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंट हमको सिर्फ बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है मुझे, लेकिन फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन में सब ये सब चीज़ें देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में क्या देखना रहता है फ्रेंड्स, पेशेंट का सेंस ऑफ ब्लॉकेज वगैरह, ठीक है। पेशेंट को इनकेस कई बार लगता है कि मेरे स्टूल एनएस में मुझे फंस गया है, ऐसा पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए सेंस ऑफ ब्लॉकेज वगैरह देखना रहता है, ठीक है। इसलिए एनएस में प्रॉपरली कैसे लोडेड कोलन वगैरह हम लोगों ने जब सोनोग्राफी या फिर कई बार उसके कोलन सूपे वगैरह करते हैं तो कोलन लोडेड वगैरह आते हैं ना, वो सब चीज़ें फ्रेंड्स इसमें सेंस ऑफ ब्लॉकेज वगैरह इसलिए देखना जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें मैनुअल इवैक्यूएशन जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो ओल्ड एज वगैरह पेशेंट रहते हैं वहाँ पे फ्रेंड्स उसके पेशेंट की इंटेक प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं होता, इसलिए पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स
रिहाइड्रेशन की वजह से वगैरह, या फिर वो उसका हाई प्रॉपर डाइट वगैरह होता है, डाइट हाई फाइबर डाइट वगैरह नहीं होता कई बार, ऐसे इसलिए पेशेंट को कई बार हार्ट स्टोन लेते हैं जनरली ओल्ड एज वगैरह में होते हैं। हार्ट स्टोन इतना होता है फ्रेंड्स एनएस में एकदम ऐसे उसके गोले गोले आते हैं, ठीक है ऐसे गोले गोले आते हैं, और उसके इसलिए हमें मैनुअली उसको इवैक्यूएशन करके निकालना पड़ता है, ठीक है पीआर करके हमें मैनुअली वो स्टूल निकालना भी पड़ता है, ठीक है ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे ओपीडी लेवल पे, इसलिए हमें अच्छी तरह से पीआर एग्जामिनेशन करके पेशेंट को हार्ट स्टोन में निकालना पड़ता है, ठीक है इसलिए फ्रेंड्स बाद में फ्रेंड्स इसलिए अल्टरनेटिव मेडिसिन फॉर अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मेशन वगैरह रहते हैं हमारे चूर्ण वगैरह, ठीक है चूर्ण वगैरह पेशेंट ले रहेगा, इसलिए क्यों देखना रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे चूर्ण वगैरह कुछ ले रहा है तो पेशेंट का स्टूल कैसे कई बार ब्लैक कलर मोशन वगैरह स्टूल दिखाई दे सकता है, यहाँ पे जरा सा मिस डायग्नोस कर सकता है कि फ्रेंड्स पेशेंट को मलिना और इसका कोई पेशेंट को कुछ हिस्ट्री वगैरह क्या चूर्ण की, ये सब मिस डायग्नोस हमको कर सकता है, इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेते वक्त पेशेंट को चूर्ण वगैरह कोई लेता है क्या, ये सब चीज़ें भी देखना रहता है फ्रेंड्स। कई बार पेशेंट फेरिक एसिड वगैरह फेरस टैबलेट वगैरह लेते रहता है फ्रेंड्स, ठीक है उसके हिसाब से भी पेशेंट को कई बार फ्रेंड्स ब्लैक कलर स्टूल वगैरह हो सकती है, इसलिए पेशेंट को फ्रेंड्स इसके अल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह का ये भी देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है बाद में ब्लीडिंग पी आर वगैरह एक देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है पेशेंट को मोशन करते हैं कुछ पर ब्लीडिंग वगैरह एक ये भी देखना फ्रेंड्स, उसमें फ्रेश ब्लड है या ऑकल्ट ब्लड वगैरह ये सब चीज़ें देखना रहता है, या फिर स्टूल को ब्लड स्टूल को ब्लड एकदम लग के लग रहा है मतलब स्टूल में ब्लड मिक्स होकर आ वगैरह आ रहा है, ये सब चीज़ें मेंशन करना रहता है, ठीक है क्योंकि वहाँ पर हेमरॉइड्स है फिशर है कोई कुछ भी एरेक्टल डिसीजेस वगैरह है या कोलन रिलेटेड कोई डिसीजेस वगैरह है, ये सब चीज़ें भी हमें उसे वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है इसलिए ये सब चीज़ें भी हमें नोट डाउन करने रहते हैं, ठीक है बाद में फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग ब्लीडिंग देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स जो जे आई सिस्टम में हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ब्लीडिंग देखना रहता है फ्रेंड्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो ब्लीडिंग रहता है ना फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल हेमाटेमेसिस, ठीक है फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को वोमिटिंग में से ब्लड आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वोमिटिंग में से ब्लड आ रहा है तो उसको हेमाटेमेसिस बोलते हैं, ठीक है हेमाटेमेसिस बोलते हैं, पेशेंट को समझो अपर जी आई ब्लीड है, पेशेंट को अपर जी आई ब्लीड है मतलब इसको हेमाटेमेसिस है फ्रेंड्स, ठीक है पेशेंट वोमिटिंग में से ब्लड निकलता है, ठीक है इसलिए पेशेंट को क्या क्या देखना चाहिए फ्रेंड्स, जो हेमाटेमेसिस है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एक्सट्रीम इमरजेंसी मानी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एक्सट्रीम इमरजेंसी मानी जाती है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है